नमस्कार दोस्तों, कानपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें कि जल्दी आपका जो है रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें आपका रमईपुर से आटा तक पहले काम स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको रिंग रोड के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आपको बता दें कि कानपुर शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए आपको रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और अब उसको जो है धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि मंधना से रमईपुर तक चौथे और पहले चरण के लगभग 46 किलोमीटर हिस्से का टेंडर फाइनल हो चुका है और रमईपुर से उन्नाव के आटा तक लगभग 19 किलोमीटर के हिस्से के टेंडर की प्रक्रिया जो है लगभग अपने अंतिम चरण में है। और आपको देखिए तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसमें भी आपका ठेकेदार जो है फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए तो आपका मंधना से आटा तक पूरा जो है जो निर्माण एजेंसी फाइनल हो जाएगी। इसके बाद आगे की जो निर्माण की स्थिति है वह साफ हो सकेगी। आपको बता दें कि रिंग रोड की जो कुल लंबाई है 93 किलोमीटर होगी और इसमें लगभग देखिए तो 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रिंग रोड के निर्माण कार्य को आपको 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें देखिए तो आपको राज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी को आपको निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आपका जो है चौथा और पहला चरण का निर्माण का, और दूसरे चरण में आपका रमईपुर से उन्नाव का जो है उसके टेंडर प्रक्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि अंतिम चरण में है। अब इसके बाद जो आपका अंतिम चरण है आपका आटा से मंधना तक, यह लगभग 28 किलोमीटर की सड़क है। इसमें आपका अभी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसके बाद आपका जो है टेंडर की प्रक्रिया इसमें कराई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि रिंग रोड में कहाँ कहाँ पर एंट्री पॉइंट होंगे। तो इसमें आपका लगभग 12 एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे, जो कि आपका भौती, कानपुर सिवडी रोड, सिंहपुर से बिठूर, मंधना, सचेंडी, और जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ ये सारे जगह आपको जो है एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे। इसको अगर विस्तार से आपको बताएं तो कानपुर नगर में कुल 62 किलोमीटर की सड़क बनेगी, कानपुर देहात में 4 किलोमीटर, उन्नाव में 27 किलोमीटर सड़क इसमें बनेगी। आपका देखिए तो रिंग रोड में गंगा नदी पर पुल भी बनने हैं, जिसमें से 3.5 किलोमीटर का जो पुल है आपका मंधना के समीप बनेगा और 1.9 किलोमीटर का पुल जो है रूमा आटा के बीच गंगा नदी पर बनेगा। तो देखिए तो कुल मिलाकर 2 इसमें गंगा नदी पर पुल बन रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के ऊपर जो पुल बनेंगे वो आपका 9 होंगे और साथ ही साथ आपको 7 फ्लाईओवर भी सिंह रोड में बनाए जाएंगे। तो देखिए तो आपका कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं और आपको कानपुर शहर को जो है जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इसी ओर प्रयास किया जा रहा है। अभी जो है आपका भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही ये सब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बहुत जल्दी आपका जो निर्माण के कार्य भी अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो इस पर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।